एंटिटी एम जो है वो ए के साथ एक लीज कॉन्ट्रैक्ट करता है ऑफिस बिल्डिंग के लिए, और वो लीज कॉन्ट्रैक्ट है 10 साल का। उसमें फिक्स एनुअल लीज पेमेंट जाएगी 2 लाख रुपए की, हर साल 2 लाख रुपए की 10 साल के लिए। और फिक्स लीज पेमेंट को 2 भागों में बांटा जाए तो 1,70,000 रेंट के लिए है, और जो 30,000 है वो रियल स्टेट टैक्स का है। तो अब हमें ये बताना है कि बताओ जो फिक्स लीज पेमेंट है वो कितने की है, क्योंकि जो फिक्स है वो तो 1,70,000 रेंट के लिए, और 30,000 जो फिक्स है वो रियल स्टेट टैक्स के लिए फिक्स है। तो एक्चुअल में लीज पेमेंट कितनी फिक्स है? तो भैया सबसे पहले दो कंपोनेंट हैं, रेंट और रियल स्टेट टैक्स। अब इसमें से लीज कंपोनेंट कौन सा है? लीज कंपोनेंट रेंट है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हुई है वो एसेट ट्रांसफ़र हुई है यूज़ करने के लिए। अब ये क्या है? क्या ये एसेट है? नहीं। क्या ये सर्विस है? नहीं। तो मतलब इसको हम कोई सेपरेट कंपोनेंट कंसिडर नहीं करेंगे, यानी हमारे पास एक ही कंपोनेंट है रेंट का। कितना से हमारे पास लीज का एक ही कंपोनेंट है, वो क्या है? रेंट। कितने का है? 2 लाख रुपए का ये है, क्योंकि हम इसको तो कंसिडर कर लेंगे नहीं, यानी जितना भी हम देंगे 2 लाख रुपए रेंट के लिए होगा। तो यानी फिक्स लीज पेमेंट कितना हुआ? रेंट 2 लाख रुपए हुआ।